अगर आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से डिसेबल हो गया है तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग इसके लिए अपील फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसके लिए अपील फॉर्म को फिल करने के लिए इसके सामने आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिसेबल्स अकाउंट फैक्ट, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपील का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करना होता है। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है प्लीज इंटर योर नेम, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना नाम लिख देना है। गाइज हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, जिस भी नाम का आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया था आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है कि प्लीज इंटर योर पब्लिशर कोड, तो आपको यहाँ पे पब्लिशर कोड डाल देना है, कुछ इस टाइप का पब्लिशर कोड होता है। अगर आपके पास पब्लिशर कोड नहीं है क्योंकि आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है, तो गाइस आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहला वाला लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा योर एडसेंस पेज, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी पब्लिशर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे बस इंश्योर कर लेना है कि आपको यहाँ पे उसी मेल से लॉग इन करना है जिस मेल से आपने गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद आपको यहाँ से इस जो पब्लिशर आईडी है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं सब कुछ। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसको पेस्ट कर देना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना मेल एड्रेस डालना है, आपको यहाँ पे वही मेल डालना है जिस मेल से आपने यहाँ पे गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। अगर आपने यहाँ पे जो भी अपने वेबसाइट के अंदर या फिर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपको यहाँ पे उसका यूआरएल डाल देना है। तो गाइस हम यहाँ पे अपना यूआरएल डाल देते हैं, तो आपको भी अपना यूआरएल डाल देना है। जो भी आपका यूआरएल है, अगर वेबसाइट है तो आपका वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, अगर YouTube चैनल है तो YouTube चैनल का URL डाल देना है। गाइस URL डालने के बाद हम यहाँ से इस URL को एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक बार फिर से आपको यहाँ पे इस URL को फिर से डाल देना है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे YouTube चैनल है तो आपको यहाँ पे अपने YouTube चैनल का डाल देना है, या फिर आपको यहाँ पे कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का URL डाल देना है। तो मेरे केस में यहाँ पे वेबसाइट है तो हम यहाँ पे वेबसाइट का URL डाल देते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू एवर परचेस ट्रैफिक, तो हम यहाँ पे इसको नो कर देते हैं। नो करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है हाउ डू यूजर्स टू गेट योर साइट, तो इसके मैंने आंसर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला वाला क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा हैव यू और योर साइट, तो इसके बाद इस वाले आंसर को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, पहला आंसर है यहाँ पे YouTube चैनल के लिए तो दूसरा वेबसाइट के लिए। तो मेरे केस में यहाँ पे वेबसाइट है तो हम यहाँ पे इस वेबसाइट वाले URL को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ व्हाट वाज द रीजन, तो आपको यहाँ से इस रीजन को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, व्हाट वाज द रीजन, तो हम यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेते हैं गाइस। तो जैसे हम यहाँ पे इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि व्हाट चेंजेस विल यू इम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ से इस वाले भी क्वेश्चन को व्हाट चेंजेस वाले को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है प्लीज इंक्लूड एनी डाटा वाला, यहाँ पे भी इस वाले भी आपको यहाँ पे आंसर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर कर लेना है कि आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर सबमिटिंग एंड इनवैलिड एक्टिविटी अपील फॉर्म। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपके पास एक मेल जाएगा कि जो आपका मेल है वो सबमिट हो चुका है। आपके पास मेल जाएगा तो आप अपने मेल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे गूगल एडसेंस की टीम की तरफ से आपके यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है कि वो आपके अकाउंट को इनेबल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस इस तरह से आप लोग बहुत ही इजी तरीके से अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट की इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की अपील के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।